श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दर्शकों, प्रदोष का व्रत सर्व सुख प्रदान करने के अलावा परम कल्याणकारी व्रत माना गया है। यह बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से चंद्रमा अपना शुभ फल देता है। प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा पूरी बहुत जल्द ही कर लेता है। प्रदोष में प्रदोष काल के समय एक छोटा सा उपाय करना है आपको, वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह काम करना है। प्रदोष काल यानी शाम का समय 4 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक आप यह कार्य करें। आप भगवान शिवलिंग के मंदिर जाएं जहां पर शिवलिंग बना हो, या फिर आपके घर में शिवलिंग हो तो आप वहीं पर अपनी पूजा करें। वहां पर शिवलिंग को एक चौकी पर स्थापित करें, लाल या पीला कपड़ा बिछा करके उस पर आप सफेद चंदन से आप लेपन करें। सफेद चंदन को पहले गंगा जल या फिर शुद्ध जल में घोल लें, घोल करके मिला करके शिवलिंग पर लेपन करें। इससे आपके जो भी ग्रह दोष हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में आ रही हर एक बाधा दूर हो जाएगी। यदि विवाह संबंधी बाधा है, नौकरी संबंधी बाधा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर कोई भी दुर्घटना घट गई हो आपके घर में, उस वजह से परेशान हो, बीमारी कोई अचानक से घेर लेती है उस वजह से परेशान है, तो आप सफेद चंदन को घोल करके शिवलिंग का लेपन करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, दुर्वा और फूल अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करें, जो भी मनोकामना है। आप यकीन मानिएगा, एक प्रदोष में भी आपने ऐसा उपाय कर लिया, सोमवार का प्रदोष हो, बस इतना ध्यान रखना है। आप विधिवत भगवान का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। 5, 11, 21, 51 जैसा आप में श्रद्धा हो उस हिसाब से आप करें। जैसे आपको पूजा करते बनती है वैसे ही करें। कोई इसमें पर्टिकुलर आपको विधि विधान नहीं है। आप अपने हिसाब से, आपसे जैसे श्रद्धा हो उस हिसाब से पूजा करें। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको सफेद चंदन का लेपन करना है दोष के दिन और प्रदोष काल में। तो दर्शकों, ऐसे ही कई उपाय हैं जो पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए हैं। हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।